A very warm welcome to my class students. आज हम देखने जा रहे हैं application writing part 2 और आज हम deal करने जा रहे हैं application for full fee concession and for books from the book bank means शुल्क माफी हेतु और पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र. इसके पहले हमने देखा था एप्लीकेशन फॉर TC, SLC एंड CC. तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन एंड बुक्स फ्रॉम बुक बैंक. फुल फी कंसेशन एंड बुक बैंक के एप्लीकेशन में यदि क्वेश्चन में सेंडर का कोई एड्रेस दिया है तो उसको सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में लिखते हैं. देन हम डेट मेंशन करते हैं. डेट जो क्वेश्चन में दी हो आप वो लिखिएगा. देन हम रिसीवर एड्रेस में टू द प्रिंसिपल लिखते हैं. चूँकि हम ये एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखने जा रहे हैं, अगर क्लास टीचर का है तो आप क्लास टीचर लिख सकते हैं. उसके बाद हम स्कूल का नाम लिखते हैं. स्कूल का नाम जो आपके क्वेश्चन पेपर में हो वो आप लिखिएगा. देन हम सब्जेक्ट लिखते हैं जो कि फॉर करके हमारे क्वेश्चन में दिया रहता है. इसमें यदि आप फुल फी कंसेशन के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, और यदि आप बुक बैंक के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक. इसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर या मैडम. आफ्टर दैट हम लिखते हैं मोस्ट हम्बली आई वुड लाइक टू स्टेट दैट, और ये लाइंस आप किसी भी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं. देन जब हम लिखते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, तो आप इस एप्लीकेशन में ऐड कर दीजिएगा आई एम पुअर स्टूडेंट ऑफ क्लास. जो भी आपकी क्लास हो उसको आप लिखिएगा. देन आप लिखेंगे माय फादर इज़ अ फार्मर, मींस मेरे पिताजी किसान हैं. सो ही इज़ अनेबल टू बाय बुक्स फॉर मी. यदि आप बुक बैंक के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे सो ही इज़ अनेबल टू बाय बुक्स फॉर मी. और यदि आप फुल फी कंसेशन के लिए लिख रहे हैं तब आप लिखेंगे सो ही इज़ अनेबल टू पे माय स्कूल फी. आप जिसके लिए एप्लीकेशन आए उसको आप ऐड कर दीजिएगा. ये दोनों लाइन बस इस एप्लीकेशन में चेंज होंगी. यदि बुक बैंक के लिए आती है तो आप लिखेंगे अनेबल टू बाय बुक्स फॉर मींस वह मेरे लिए पुस्तकें खरीदने में असमर्थ हैं. और यदि आप फुल फी कंसेशन का एप्लीकेशन लिख रहे हैं तब आप लिखेंगे सो ही इज़ अनेबल टू पे माय स्कूल फी, मींस वह मेरा विद्यालय का शुल्क चुकाने में असमर्थ हैं. देन आप पैराग्राफ चेंज करके कंक्लूडिंग लाइन लिखेंगे देयरफॉर काइंडली इशू मी माय कोर्स बुक फ्रॉम द बुक बैंक, मींस इसलिए कृपया मुझे विद्यालय के बुक बैंक से या पुस्तकालय से पुस्तकें प्रदान करने की कृपा करें. और यदि फुल फी कंसेशन के लिए लिख रहे हैं तब आप लिखेंगे देयरफॉर काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, मींस इसलिए कृपया मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें. आफ्टर दैट आप लिखेंगे थैंकिंग यू, और उसके बाद आप लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली स्टूडेंट. यदि ओबीडियंटली आप नहीं भी लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं योर्स स्टूडेंट. देन नेम, अगर क्वेश्चन में कोई नेम दिया है तो वो, नहीं तो आप अपना नाम लिख सकते हैं. आफ्टर दैट आप क्लास मेंशन करेंगे कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं. आफ्टर दैट आप डेट मेंशन करेंगे. डेट यू कैन राइट लाइक दिस, जैसा यहाँ पे लिखा है 10th October 2021, या फिर आप लिख सकते हैं October 10th, 2021. तो ये था एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन एंड बुक्स फ्रॉम बुक बैंक. आई होप यू हैव अंडरस्टूड केयरफुली. प्लीज़ शेयर इट एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू.